ट्वेल्थ के बाद एक अच्छी करियर का चुनाव करना हर स्टूडेंट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है और यह दौर हर स्टूडेंट के जीवन में कभी न कभी जरूर आता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शन लिस्ट, बेस्ट करियर ऑप्शन लिस्ट इन इंडिया लेकर आए हैं, जिनमें से आप किसी भी एक करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, ट्वेल्थ के बाद साइंस में करियर ऑप्शंस। ज्यादातर विद्यार्थी का सपना 11वीं कक्षा के अंदर साइंस विषय को लेना होता है और ज्यादा विद्यार्थी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस फील्ड के अंदर काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं। इस फील्ड के अंदर आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि साइंस विषय प्रोफेशनल कोर्सेज की गिनती में आता है और इसके अंदर आपको अनेकों करियर विकल्प मिलते हैं, जिनमें से आप किसी भी एक का चुनाव करते हुए अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और ट्वेल्थ के अंदर आपके पास साइंस विषय है, तो उसके लिए हमने कुछ कोर्सेज का चुनाव किया है जो आप स्क्रीन पर देख और सुन सकते हैं। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BE और BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BSc, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc, नर्सिंग, BSc, फिजिक्स, BSc, केमिस्ट्री, BSc, मैथमेटिक्स, MSc इन फिजिक्स, MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन मैथमेटिक्स। नंबर टू, आर्ट्स और कॉमर्स में करियर ऑप्शंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ऐसे विषय हैं जिनके अंदर अनेकों करियर विकल्प हैं। इनमें से यदि आप किसी भी एक विषय का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा विकल्प मिलते हैं। यदि आप कॉमर्स का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर आप अकाउंटेंट और बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका चुनाव करते हुए आप अपने आप को बड़े से बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के अंदर आप अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए अध्यापक बन सकते हैं और इसके अलावा अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी रुचि अन्य किसी क्षेत्र के अंदर है तब भी आप अपने कोर्स के साथ साथ उनको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BEM, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, BA प्लस LLB, BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BCom, ऑनर्स, BA, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA इन हिस्ट्री, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, BBA प्लस LLB, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। 12th कक्षा पास करने के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आपको शादी पार्टियों से संबंधित इवेंट को मैनेज करना होता है और आने वाले समय में इवेंट मैनेजमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, तो आप इस कोर्स को करके इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और सरकार के द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए काम दिया जा रहा है। ऐसे में आप पर्यटक मैनेजमेंट करके इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। साइंस विषय के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना सबसे बेहतर विकल्प होता है, जिसके अंदर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र के अंदर रुचि रखने वाले छात्रों के पास अनेकों विकल्प होते हैं। यदि आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, तो आप नीट के एग्जाम को देकर MBBS, BDS जैसे डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेट्स सी द फाइनल कंक्लूजन। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th, बेस्ट करियर ऑप्शन इन इंडिया
with high salary and best career option in India. यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अभी अभी 12th कक्षा को पास किया है या करने वाले हैं, लेकिन आपको करियर विकल्प समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ अनेकों करियर विकल्प के बारे में बात की है, जिनमें से आप किसी भी एक करियर विकल्प का चुनाव करते हुए अपना करियर बना सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।